कितने परसेंट मर्द अपने पार्टनर के बार बार मैसेज करने से परेशान है? मैं तो बिल्कुल नहीं होता। मेरे लिए है ही नहीं क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज परसेंटेज। सिक्सटी%। जेंटलमैन, क्या है आपका जवाब? मुंह पर बहुत बड़ी हंसी है। विशाल बहुत कुछ कहना चाह रहा है। 60%। आप ही से शुरू करते हैं। भाई मेरे को लगता है कि अगर पार्टनर फोन ना भी करे तो प्रॉब्लम होती है, है ना, कि फोन क्यों नहीं कर रहे, तब उसके लिए सवाल खड़े हो जाएंगे। और अगर वो करते तो लोग कहते हैं हम इरिटेट हो रहे हैं। आई थिंक हर हस्बैंड अपनी वाइफ को बार बार मैसेज करे वो अच्छी बात है, और वाइफ पापा मैसेज करे वो भी एब्सोल्युटली बिल्कुल सही है। सो या मैं कहाँ थे प्रिंस, तुम कहाँ मिलते हैं प्रिंस जैसे लड़के? अरे अच्छा बेटा, मुझे पता है तुझे घर जाने। नहीं पर एक्चुअली में भाई मेरे लिए है। नहीं, व्हिच इज ग्रेट। विशाल आपका क्या कहना है? कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं चाहिए। कुछ लोगों का होता है गुड नाइट बोलने के बाद हो गई रात, आ रही है नींद। अच्छा अभी तक नहीं सोए, तुम्हें इंस्टाग्राम पे देखा, तुम तो अभी ऑनलाइन दिख रहे थे। अरे यार तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे लिए गुड नाइट हो गया है मेरा, और मेरे लिए तुम्हारा गुड नाइट हो गया है, तो चलो सो जाते हैं। 7 मिनट सही, कहीं अलग अलग ही लेकिन सो जाते हैं। यहाँ पे ना मैं फ्लिपकार्ट को बोलूंगा 4-5 साल के बाद फिर से ये शो दोबारा लेकर आए, जब इन सबकी शादी हो चुकी होगी, तब ये सारे सवाल पूछे, तब बताऊंगा कितने गांव से है ये वो सब निकल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा खुश हूँ जितना आप खुश हो, तो शादी से कोई मैटर नहीं करता सर, ना तो उससे कोई फर्क पड़ता आपकी खुशी पे और ना ही आपकी जिंदगी पे। विशाल अपने बारे में बताओ ना। मैं दूसरा वाला हूँ, गुड नाइट हो गया तो हो गया। ओवरडोज इज बैड, यस, जो ये बात बोल रहे हैं, पर अगर वो जो होलियर देन दाउ एटीट्यूड है कि मेरे को मैसेजेस नहीं पसंद और मैं, तो फिर मत रखो ना रिलेशनशिप, फिर वो है ही क्यों? मतलब इफ आई हैव माई मैन इन माई लाइफ आई वुड वॉन्ट टू नो इफ ही इज डूइंग ओके, नॉट ऑफकोर्स कहाँ हो कब आ रहे हो ये सब मैं खुद नहीं, मेरे पास खुद इतना टाइम नहीं है लाइफ में। एंड इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट व्हेन टू पीपल आर वर्किंग इज जस्ट अ जनरल केयरिंग, आर यू ऑल राइट, आर यू डूइंग ओके। उसमें भी अगर दूसरे में इतना एटीट्यूड है कि आई एम सो इरिटेटेड, और वो आ जाता है वाइब में भी आ जाता है व्हेन यू नॉट रिप्लाइंग नाइसली, जब आप एक मैसेज का रेसिप्रोकेट ढंग से नहीं कर सकते, या फिर एक रात को आप वीडियो कॉल एक 10-15 मिनट के लिए नहीं कर सकते, आई थिंक गेट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। या सीरियसली आई एग्री, श्योर आई एग्री विद निया कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड। वो टू मच भी नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती हर 2 मिनट में हाय क्या हो रहा है, कहाँ हो, क्या करो, वो हो जाता है इरिटेटिंग, चाहे औरत हो या मर्द हो। मैं इस बात पे बिल्कुल काम है के साथ। और वो कॉल करता है, मुझे यही जानना है, क्योंकि यार लड़कियों को पता भी होगा कि लड़का क्या कर रहा है, फिर भी मैसेज। जिम में हो फिर भी मैसेज आएंगे, क्या कर रहे हो? अरे भंगड़ा कर रहा हूँ यार मैं। नहीं, अगर तुमने बोला कि मैं चेस्ट मार रहा हूँ तो तुमने ट्राइसेप की फोटो क्यों डाली है? और मैं एक विशाल पे बोलना चाहूंगा, विशाल जब शादी होगी ना विशाल की भाई, हाँ जितने मेडल लेकर आया है ना सब उतर जाएंगे इसके लिए। फिर मुझे सिर्फ एक ही मिलेगा, शहीद चक्र। तो देखते क्या है इंडिया की सोच। इंडिया का कहना है कि 50% मर्द अपने पार्टनर के बार बार मैसेज करने से परेशान है। ओनली ऑन फ्लिपकार्ट विद यू। Watch, play, win now!